हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, DSSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर की आपकी मास्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये हमारी आज क्लास नंबर 7 होने वाली है, जिसमें हम जो आपका PRT का पार्ट 2 है, जिसमें कि आपकी CDP पूछी जाती है 100 नंबर की, उसको हम टारगेट करके अभी चल रहे हैं। और जिसमें हम क्या अभी कर रहे हैं, सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा रहे हैं, जितने भी 2013 से 2022 तक जितने भी आपके DSSSB के एग्ज़ाम्स हुए हैं PRT के, उनमें CDP के हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं। तो आज हमारी 7th क्लास है। अगर आपने इससे पहली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिए, आपको सारी क्लासेस अभी तक की प्लेलिस्ट में ऐड हुई मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है। अभी तक 60 क्वेश्चन हम सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट कर चुके हैं, इसी के और काफ़ी सारे क्वेश्चंस बाकी है, तो यहीं से आगे बढ़ेंगे हम जहां हमने कल छोड़ा था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हुए जेम्स मार्सिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पहचान नहीं है जिसे किशोर अपना सकते हैं। इनमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द आइडेंटिटीज दैट एडोलेसेंस मे अडॉप्ट। पहली बताई गई है आइडेंटिटी मोरेटोरियम, पहचान मोरेटोरियम। दूसरी है आइडेंटिटी डिफ्यूजन। तीसरी है आइडेंटिटी क्राइसिस यानी अभाव। चौथी है आइडेंटिटी फोर क्लोजर यानी पहचान प्रसार। तो देखिए, एरिक्सन के मॉडल के बारे में जब जेम्स मार्सिया ने इसे विस्तार से बताया तो इन्होंने 3 प्रकार की क्या बताई, एडोलेसेंट की आइडेंटिटीज बताई। ठीक है, 3 प्रकार की, तो इनमें से 3 है और एक नहीं है। तो जिसके बारे में बात नहीं करी वही पूछा है, तो पहचान अभाव यानी आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में उन्होंने नहीं बताया, बाकी तीनों के बारे में इन्होंने अपने इसमें अपनी थ्योरी में बात की है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बच्चे के शारीरिक विकास में डैश शामिल होता है। बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, उसका फिजिकल चेंज यानी शारीरिक परिवर्तन, या फिर उसके फाइन मोटर स्किल्स बारीक मोटर कौशल। बताइए क्या क्या चीज़ें उसके फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल होते हैं। बिल्कुल बेहद सही आपने जवाब सोचा है, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही ठीक है, यानी जब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे चेंजेस भी होंगे शारीरिक, और फाइन मोटर स्किल्स है ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स, इन सभी का भी विकास होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा गया है देखते हैं, किशोरावस्था की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है कि रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह बचपन और वयस्कता के बीच जीवन की एक अवधि है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। एडोलेसेंस क्या है या अडल्टहुड, एडोलेसेंस क्या है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो यानी पहली स्टेटमेंट तो हमारी एकदम करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं, यह एक संक्रमण काल है, हाँ, जिसमें केवल जैविक परिवर्तन शामिल होते हैं। भाई संक्रमण काल तो है, ट्रांजिशन पीरियड तो है, लेकिन केवल जैविक परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, जहाँ केवल आ गया तो समझ लो वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैविक परिवर्तन के साथ साथ यार बहुत सारे विकास होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास हो गया, बच्चे का शारीरिक विकास हो गया, जैसे कि उसमें ऊंचाई, वजन, उसके शरीर की संरचना में वृद्धि होती है। तो ये केवल कहने से यहाँ पर ये गलत हो जाता है ऑप्शन। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी 2022 में ही पूछा गया था, शारीरिक विकास क्रियाकलापों से छात्रों में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है। ठीक है, अगर बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनसे कौन कौन सी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होती है। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, दूसरा है जजमेंट निर्णय लेने की उसकी क्वालिटी, स्पोर्ट्समैनशिप
यानी खेल भावना का विकास होता है। आप बताइए क्या इनमें से किसी दो या एक को आप चुनेंगे या फिर सबका ही विकास होगा अगर बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है, उनका पार्ट बन रहा है ना, तो क्या होगा? बिल्कुल भाई, ये सारी की सारी क्वालिटीज बच्चे के अंदर आएगी, उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा, है ना, खेल भावना बच्चे के अंदर विकसित होगी, तो जाहिर सी बात है तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है प्रत्येक क्वेश्चन का, क्या आप समझ पाते हैं? तो ज़रूर इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दिया करिए, राय दिया करिए। आगे बढ़ जाते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवन के संदर्भ में समान दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या है? इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द कॉमन लॉन्ग टर्म ट्रेंड विद रेफरेंस टू प्यूबर्टी। ऑप्शन ए, प्रवृत्ति जो केवल एक पीढ़ी को देखकर ही देखी जा सकती है, यानी ट्रेंड दैट कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग एट वन जनरेशन, कि क्या केवल एक ही जनरेशन को देख करके हम उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बता सकते हैं उसकी प्यूबर्टी के रेफरेंस में? तो ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही पीढ़ी को देख करके पता चल जाए, है ना, तभी तो पता चलेगा अगर हम उसकी दो तीन पीढ़ियों को देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सा ट्रेट है ऐसा जो कि अगली अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, कि भाई उसके दादा दादी में भी था, अब उसके बेटे में आया, फिर उसके पोते में आया, इस तरीके से। तो एक पीढ़ी को देख करके अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है वयस्क ऊंचाई और यौन परिपक्वता की पूर्व प्राप्ति की ओर रुझान, मतलब ट्रेंड्स टुवर्ड अर्लियर अटेनमेंट ऑफ अडल्ट हाइट एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल सही है, कैसे? क्योंकि प्यूबर्टी के बारे में हम बता सकते हैं उसकी हाइट और उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में अगर पता चल जाए तो, यानी उसके बारे में कि भाई इसने अपनी प्यूबर्टी को अटेन कर लिया है ना, या प्यूबर्टी की तरफ इसका क्या हो रहा है, अर्लियर अटेनमेंट हो रहा है अगर उसकी हाइट, और आप इसकी कैसे पता चलेगा कि अगर उसके फेशियल हेयर्स आ रहे हैं, है ना, बॉय है तो उसकी जो वोकल कॉर्ड है वो डेवलप हो रहा है, इसके अलावा आर्म्स पर हेयर आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी यहाँ पर आपका किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा, इसमें पूछा गया है सेंसरी मोटर चरण, यानी सेंसरी मोटर किसकी स्टेज है बताइए, किसने बताया था इसके बारे में, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में? चलिए आगे आपको पता ही चल जाएगा। निम्नलिखित में से इस स्टेज से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्याजे के सिद्धांत में यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, क्या सेंसरी मोटर स्टेज थर्ड स्टेज है? बताइए आप ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। अगला ऑप्शन देखती हूँ मैं तब तक, जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा ऑप्शन है शिशु इंद्रियों और मोटर गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, क्या ये बात सही है कि बच्चा जो है जब वो शैशव अवस्था में होता है तो वो अपनी सेंसेस से और जो उसकी मोटर मसल्स होती है या मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू ही इन्फेंट लर्न करता है? तो भाई देखो, दूसरा ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपकी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये तो फर्स्ट स्टेज है, ना कि थर्ड, ठीक है। ये पहली अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होगी उसी को संबोधित करता है सेंसरी मोटर स्टेज। तीसरी स्टेज तो 7 से 12 वर्ष की होती है, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो यानी हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखिए आसान क्वेश्चन भी आते हैं, खूब बढ़िया, जिनको आप आसानी से हल कर पाएंगे, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जितना हवा बना हुआ है मार्केट में DSSB के एग्जाम को लेकर के, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेबलिंग क्या है, ठीक है, बेबलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष की आयु में एक शब्द बनाना शुरू करना, क्या उसको बेबलिंग कहेंगे कि जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है और एक एक शब्द बनाना शुरू कर देता है, या जब बच्चा 1 वर्ष की आयु में होता है और कुइंग करता है, ठीक है, या फिर जब वो 6 माह का हो जाता है और स्वर और व्यंजन की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन करता है, यानी क्या होता है उसकी एक वाइडर वेराइटी हो जाती है वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है, वो उन्हें प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है,
चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष की उम्र में लंबे वाक्य बनाना शुरू कर देता है, उसको आप बबलिंग कहेंगे। देखिए इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 वर्ष का बच्चे का बबलिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही 2 वर्ष का, क्योंकि शब्द बनाना है ना, शब्द बनाना, लंबे वाक्य बनाना, तो इससे बिल्कुल आप एकदम से पता कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी में अपने आप इसको अलग नाम दिया गया है, क्विंग। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब गलत हो जाएगा। बचा क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा, जिसमें बच्चा स्वर और व्यंजन की एक विस्तृत विविधता के उत्पादन का प्रारंभ करने लगता है, उसको ही बबलिंग कहेंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वरों को एक साथ पंक्ति में व्यक्त करता है और उसको दोहराता है। ठीक है, यहीं से ही बच्चे की भाषा की जो नींव है वो रखी जाती है। तो ये आपका हो जाता है सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बबलिंग, जब वो ई आ ऊ इस तरीके से करने लगता है, इनको बोलने लगता है कॉन्सोनेंट वोवल्स को, तो यहीं पे आपका ये वाली स्टेज रहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा 68। किशोर अवस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, वैसे तो ये सारे जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी है जिसकी वजह से जो एडोलेसेंस में ग्रोथ है वो स्प्राउट होके आती है एकदम से। ठीक है, बताओ, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है एकदम करेक्ट, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, 68 का आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बहुत सारे हार्मोन को स्रवित करती है, जो कि एक व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और यही विकास को नियंत्रित करती है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस मनोवैज्ञानिक का सामाजिक अधिगम परिप्रेक्ष्य प्रस्तावित करता है कि नैतिक व्यवहार पुरस्कारों और दंडों के प्रकारों पर निर्भर करता है जिनसे किशोर अवगत होते हैं। इनका कहना क्या है कि द सोशल लर्निंग परस्पेक्टिव ऑफ विच साइकोलॉजिस्ट पर्पज that the moral behavior depends on the types of rewards and punishments to which adolescent is exposed। ये किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा, या अल्बर्ट बंडूरा का ये मानना था, या फिर जॉन एमोस कोमेनियस का ये मानना था, या फिर कैरल गिलिगन का ये मानना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब पुरस्कार और दंड की बात आती है ना, आपको ध्यान भी होगा कि जो बेबी डोल करके एक परीक्षण किया था, किसने किया था, क्या आपको याद है? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, है ना। तो अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था, इन्होंने ही बताया कि बच्चे का जो नैतिक व्यवहार होता है वो पुरस्कार और दंड के प्रकार पर निर्भर करता है। कि बच्चे को अगर किसी काम के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो वो उस काम को क्या करेगा, फिर से दोहराएगा, है ना, बिल्कुल। और उसी के बदले अगर उसको दंड मिल जाए तो उसको करना बंद कर देता है, या उसके सामने किसी और को उस कार्य के लिए दंड दिया जाए तो उसको देख करके उस कार्य को करना बंद कर देता है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? बार्बी डोल पर किया था। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, आपको सही जवाब मिल गया है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यंजनाएं किशोरों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड एक्सप्रेशन प्रेजेंट्स चैलेंज टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एडोलेसेंस। ऑप्शन नंबर ए साइबर बुलिंग, दूसरा है ऑनलाइन हरेसमेंट, फुटप्रिंट्स या फेसबुक डिप्रेशन। यहाँ पर दोस्तों आपको बात करी गई है कि कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल वेलबींग और फिजिकल चैलेंजेस है जो कि किसी एडोलेसेंस को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो बताइए क्या क्या चीज़ें या क्या क्या दिक्कतें हैं जो सामने आती है आजकल के समय में, तो ये ज़्यादा ही हो गया है। तो बिल्कुल, बच्चे को साइबर बुलिंग किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन हरेसमेंट किया जाता है, कई बार किसी वीडियो या फोटो को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के, है ना, डराना धमकाना, उसको बुली करना, और इसी तरह की चीज़ें, और फेसबुक डिप्रेशन भी इसमें शामिल है।
है ना, कई बार ऐसी पोस्ट कोई अपलोड कर देता है जिससे बच्चे को उसके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है ना। बिल्कुल, ये किसी की भी व्यक्ति की भावनात्मक को भावनात्मक चोट पहुंचाने के लिए, उसको शर्मिंदा करने के उद्देश्य से ये सारे काम किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज के क्वेश्चन हमने फटाफट पूरे किए हैं, 10 questions, आज और 5 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हमने जल्दी जल्दी आज पूरे किए हैं। तो बढ़ाते हैं क्वेश्चनों की संख्या को, आपका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है चीज़ों को समझना पढ़ना मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्याजे के नैतिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बताना है नैतिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है प्री मॉरल स्टेज में, कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 5 वर्ष तक, क्या ये सही है, कोई बात नहीं आगे देखते हैं। दूसरी स्टेज है मॉरल रियलिज्म, मॉरल रियलिज्म ये 5 से 10 वर्ष तक होती है, ठीक है। और अब इन्हीं दोनों में से आपको बताना कि कोई एक सही है या दोनों, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आपको यही दिया गया है, ओनली वन या ओनली टू या फिर बोथ या नाइदर वन नाइदर नोर टू, ठीक है। आप बताइए क्या आपके अकॉर्डिंग इसमें किसके साथ आप जाएंगे। जी, प्याजे की जो नैतिक विकास की अवस्थाएँ हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है, ये दोनों ही यहाँ पर एकदम सही सुमेलित है। इन्होंने दो जो अवस्थाएं बताई है कि जन्म से 5 साल की जो एज होती है उसको हम किस में रखेंगे, प्री मॉरल में रखेंगे, और 5 से 10 वर्ष को मॉरल रियलिज्म में रखेंगे। तो बिल्कुल सही है दोनों ही ऑप्शंस। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभिक बचपन के दौरान संज्ञानात्मक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति उनके महत्व से सही ढंग से सुमेलित है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे कहने की कोशिश करी गई है, जी बिल्कुल सही, कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एडवांसेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस इज करेक्टली मैच विद देयर सिग्निफिकेंस। पहला ऑप्शन दिया गया है कारण और प्रभाव की समझ, बच्चे समझते हैं कि घटनाओं के कोई ना कोई जरूर कारण होते हैं। तो क्या ये संज्ञानात्मक प्रगति को दर्शाता है कि बच्चे कारण जानते हैं कि अगर धूप में जाते ही कपड़े सूख रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है, बिल्कुल। और अगला ऑप्शन क्या है, सहानुभूति, बच्चे मात्राओं को गिन सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन को देख करके ही पता चल रहा है कि गलत है, क्योंकि एम्पैथी का मात्राओं को गिनने से क्या संबंध, तो ये तो अपने आप में कुछ भी इन्होंने ऑप्शन एडजस्ट कर दिया ऐसे ही चेक करने के लिए, जिसको नहीं भी पता होगा वो भी इसका इजीली आंसर कर पाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका पहला ऑप्शन ठीक रहने वाला है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, केवल पहला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, भ्रूण अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण होता है, जो भ्रूण अवस्था होती है ये क्या प्रसव पूर्ण विकास का अंतिम चरण है, और भ्रूण की अवधि जर्मन खसरा यानी रुबेला के लिए खतरे की अवधि होती है। आप बताइए जल्दी से, आप क्या समझते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सेकंड ऑप्शन में जो ये रुबेला खसरा की बात करी गई है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एकदम बहुत संक्रामक होता है, इन्फेक्शन होता है जब गर्भवती माँ के साथ उसके शिशु में, अगर माँ को हो जाए तो उसके शिशु में भी गंभीर जटिलताएं जो है वो पैदा हो जाती है। और बात करते हैं तो ये शिशु के गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन पहला कहना गलत हो जाएगा कि ये अंतिम चरण है, तो ये अंतिम चरण यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, केवल 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आपसे पूछा गया है कोहलबर्ग ने लिंग पहचान के विकास में कितनी अवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की है। कोहलबर्ग आउटलाइन हाउ मेनी स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। तो जेंडर आइडेंटिटी को लेके कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई है, क्या कोई बताएगा। देखिए
कोहलबर्ग कोग्नेटिव थ्योरी डेवलपमेंट ऑफ जेंडर, ये इनकी थ्योरी का नाम है, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जेंडर कोहलबर्ग ने दी थी। इसमें इन्होंने बताया 3 स्टेजेस के बारे में, जिनका नाम है जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो यहाँ पर कितनी हुई, 3 अवस्थाएं। तो 3 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने जानकारी दी, मैंने बोल भी दिया है, इनको नोट कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, किस सिंड्रोम में गर्भावस्था के दौरान माँ के अत्यधिक शराब पीने के कारण शिशुओं में शारीरिक और मानसिक असमानताओं का एक पैटर्न पाया गया है? ठीक है, चलिए, जब अगर गर्भावस्था के दौरान माँ बच्चे की क्या करती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, अत्यधिक शराब पीती है, उससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक असमानताओं का जो एक पैटर्न बन जाता है उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला है डुप्लीकेशन सिंड्रोम, दूसरा है एग्नीस सिंड्रोम, तीसरा है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम या फिर चिया स्मल सिंड्रोम। तो देखिए, अगर आपको इनके बारे में पता भी नहीं है कि इनमें कौन से सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अल्कोहल का नाम कौन से में आया है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, तो यही हमारा आंसर भी है। तो कई बार इस तरीके से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, भले ही इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें ऑप्शन में देखा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, तो अल्कोहल का नाम आते ही हम समझ गए कि भाई ज़रूर यहाँ पर शराब पीने से होने वाला ये सिंड्रोम है। ठीक है, और फीटल मतलब गर्भावस्था के दौरान, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं क्लास में, तो वो भी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल ही क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।